नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको राजा भारमल, राजा भगवंत दास और राजा मान सिंह के प्रमुख कार्यों की जानकारी देने जा रहा हूँ। राजस्थान के इतिहास में विशेष रूप से आमेर का इतिहास बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मुगलों के भारत में आक्रमण के पश्चात मुगल राजपूत संबंध राजस्थान के इतिहास में अत्यंत महत्व रखते हैं। मुगल राजपूत संबंध को सबसे आगे बढ़ाने का कार्य आमेर के राजघराने द्वारा किया गया और इस कड़ी में राजा भारमल का नाम सर्वप्रथम आता है, जिनका शासनकाल 1547 से 1573 ईस्वी तक का था। ये अपने शासनकाल में प्रशासनिक दृष्टिकोण से मीणाओं और ग्रह कलह से परेशान होते और इस कारण से इन्होंने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के इन्होंने अकबर से संबंध स्थापित करने की सोची। इस कड़ी में मजनू खां और भक्ता बाई ने उनकी भेंट अकबर से सांगानेर नामक स्थान पर करवाई थी, जहां पर अकबर ने राजा भारमल को राजा व अमीरुल अमरा की उपाधि प्रदान की थी। यहीं पर इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका नाम इतिहास में हरका बाई मरियम उज्जमानी भी है, का विवाह अकबर से करना का तय किया और फलस्वरूप यह विवाह संपादित हुआ। इस विवाह के साथ साथ इन्होंने अपने पुत्र भगवान दास और पोत्र मान सिंह को भी अकबर के राजदरबार में नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो बाद में इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे। विशेष रूप से मुगल कालीन जो राज्य विस्तार के कार्यक्रम हुए, उनमें इन दोनों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा भारमल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राजा भगवान दास ने आमेर की राजगद्दी संभाली और इन्हें प्रथम बार अकबर द्वारा 5,000 जात और सवार की मनसबदारी प्रदान की गई। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनको अकबर द्वारा राजपुताने के शेर महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजा गया और यह प्रयास इन्होंने तीसरी बार में किया था, जहाँ पर वे पूर्णतः असफल रहे। राजा भगवान दास से प्रभावित अकबर हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी रोचक घटना है। सरनल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ के मैदान में एक पागल हाथी को काबू करने का वीरतापूर्ण कार्य राजा भगवान दास द्वारा किया गया। इस कारण अकबर उससे प्रभावित हुआ और उन्हें एक उपाधि दी गई। राजा भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से इतिहास में जाने गए, उनसे किया और उन्हीं से उनका एक बेटा हुआ, जो इतिहास में बहुत बड़ा लेखक रहा, जिसका नाम अमीर खुसरो था। राजा भगवान दास के पश्चात उनका पुत्र राजा मान सिंह आमेर के राजगद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी के मध्य रहा। मान सिंह के कृत्य राजपूताना के इतिहास में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं और यदि देखा जाए तो अकबर की साम्राज्यवादी सोच को आगे बढ़ाने में, विस्तार करने में राजा मान सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
चाहे उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, इन सब स्थलों पर मुगल सेना ने राजा मान सिंह के नेतृत्व में अनेक युद्ध लड़े और सफलताएं अर्जित की। राजा मान सिंह को यदि हम देखें तो अपने पिता भगवान दास के साथ 12 वर्ष की आयु में ही अकबर के राजदरबार में नियुक्त हो गए थे और तब से लेकर सतत ता उम्र ये राजा मुगल बादशाह अकबर की शरण में रहे। इस विषय को क्योंकि लंबा है इसलिए मैं इसको कल आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।